नमस्कार, मैं शारदा सिंह, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर की थाना नकुड़ पुलिस ने 25,000 के इनामी को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर की नकुड़ पुलिस द्वारा इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के एसपी देहात सूरज कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि नकुड़ थाना पुलिस के द्वारा 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त जीत कुमार उर्फ जीत को मुखबिर की सूचना पर नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक नाजायज तमंचा 315 बोर और दो जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के निर्देश पर पूरे जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध उनके धरपकड़ का अभियान चल रहा है और इसी अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस ने सन 2018 में खेड़ा अफगान बाजार में एक महिला के साथ लूट हुई थी। इस लूट को कारित करने वाला एक अपराधी जीत कुमार, जो कि पिछले 4 सालों से फरार चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी की है। मुखबिर की सूचना पर इसकी गिरफ्तारी हुई थी। पूछताछ में इस अपराधी ने बताया कि ये पंजाब जिले में खन्ना नामक खन्ना जगह पे वहाँ पे खानाबदोश की तरह लेबरी का काम करता था। मुखबिर ने सूचना दी कि ये इस तरह से आज आने वाला है। इसी सूचना पे हमारी पुलिस टीम जो लगातार इसकी तलाश में थी, उसने इसकी गिरफ्तारी की है। इस अभियुक्त पे थाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का इनाम भी था और एक बहुत अच्छा गुड वर्क किया है थाना नगर पुलिस ने। सर, क्या पास से तमंचा बरामद हुआ है और कुछ इसके अन्य पर्सनल सामग्री सर उसकी हाँ, इसमें कुल 4 लोगों ने इस लूट को कारित किया था। अनिल नाम का व्यक्ति जो था वो मौके से ही गिरफ्तार हो गया था और एक व्यक्ति इसमें और है जो जिसकी गिरफ्तारी फुल्लू है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।